हेलो, आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। क्या नाम है चैप्टर का? वैदिक पीरियड। क्या आपको लगता है वैदिक पीरियड मतलब क्या? ऐसा कौन, ये तो आप पक्का है कि किसी पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं? ये किसी ना किसी पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। किस पीरियड के बारे में बात करें? वैदिक पीरियड। तो किस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है? किस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है? एनी आइडिया? तो हमारे इंडिया में कहूँ या फिर बोलूँ हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि टोटल चार तरह के वेद हैं। टोटल चार तरह के क्या हैं? वेद हैं, ठीक है? देखिए, वेद साम, वेद अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है? देखो, चार तरह के क्या वेद। तो मैं बता रहे हैं, एक ऐसा टाइम जिन वेदों को बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता था, एक उस टाइम की बात करेंगे चैप्टर के अंदर, जिस टाइम पर इन वेदों को सब कुछ माना जाता था, ठीक है? स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस रेफर टू द पीरियड व्हेन आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया एज अर्ली वैदिक पीरियड। वो कह रहे हैं कुछ स्कॉलर्स का या कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है। उनके अकॉर्डिंग वैदिक पीरियड वो पीरियड है यार, या फिर एक ऐसा पीरियड जब आर्यन पहली बार इंडिया में सेट आए थे, जब आर्यन पहली बार इंडिया में आए थे, सेटल हुए थे। ये उस पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। ये उस पीरियड को क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। बिटवीन 1000 to 500 BC व्हेन आयरन के हेड केम टू बी यूज्ड, इट इज बिलीव्ड दैट आयरन फॉलोड द कोर्स ऑफ रिवर्स एंड सेटल्ड अलोंग द वैली ऑफ यमुना एंड गंगा। वो कह रहे हैं जब 1000 BC से 500 BC के बीच में आयरन का यूज हमारे सामने आने लगा, तो ऐसा माना जाता है कि आयरन जो थे उन्होंने फॉलो किया कोर्स ऑफ रिवर्स। कोर्स ऑफ रिवर मतलब क्या? रिवर कहाँ कहाँ बहती है, उस बहाव को उन्होंने फॉलो किया, रिवर की चाल को उन्होंने फॉलो किया, है ना? और वो यमुना गंगा वैली के किनारे में सेटल हो गए। वो यमुना गंगा रिवर के किनारे की वैली पर, वैली के किनारे पर सेटल हो गए। दिस आयरन टूल्स हेल्प देम टू क्लियर द फॉरेस्ट। वो एक कोई आयरन का टूल था, अब पता नहीं और नाम ही बताए गए, मैं बताऊँगा क्या होगा आपको सकता है। तो वो कह रहे हैं एक आयरन का टूल था, और इस आयरन के टूल में उनकी काफ़ी हेल्प हुई ये शिवनिया को क्लियर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करने में उस आयरन टूल ने बहुत हेल्प की। क्या हो सकता है आयरन टूल? कुल्हाड़ी, XAXE, है ना? दे मूव्ड इन द ईस्टवर्ड एंड द साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन। बड़ी बोली, दे मूव्ड इन द ईस्टवर्ड एंड साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन। वो लोग कहाँ गए बेसिकली? आ रहे थे इंडस वैली की तरफ से। कहाँ की तरफ गए? वो ईस्ट में गए और साउथ ईस्ट में गए, ठीक है? आज से सुपर नोमेडिक इन नेचर, क्योंकि आर्यन जो थे बेसिकली, जहाँ तक हम जानते हैं, वो नोमेडिक थे नेचर। नोमेडिक मतलब क्या? घूमते रहने वाले, उधर से उधर घूमते रहते हैं, उधर से उधर घूमते रहते हैं, घुमंतु है ना। ग्रेजुअली सेटल इन द गैंगटिक वैली, और ये और धीरे धीरे वो क्या हो गए? गैंगटिक वैली यानी गंगा रिवर की वैली के पास वो सेटल हो गए। दिस पीरियड इज नोन एज लिटिल वैदिक, और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? लिटिल वैदिक। एंड ये फर्स्ट टाइम वो आए थे उसको तो बोल देंगे अर्ली, उसको क्या बोल देंगे? अर्ली वैदिक पीरियड। इतना सब कुछ कर लिया उन्होंने और फिर यहाँ पे रुके रह गए, इसको बोला हमने क्या? लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है? तो यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट थी। आई डोंट थिंक ये पूछेंगे,
पर एक बार हमें पता होना चाहिए, ठीक है। द कल्चर ऑफ द पीरियड इज रेफर्ड एज द वैदिक कल्चर बिकॉज इट वर्क बेस्ड ऑन द वैदिक टेस्ट। वो कह रहा है इस पीरियड के दौरान जो कल्चर था उस कल्चर को ना वैदिक कल्चर के नाम से रेफर किया जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है इस टाइम पे वैदिक टेक्स्ट को ज़्यादा पढ़ा था, वैदिक टेक्स्ट को पढ़ा था। और ये जो कल्चर जो बना था ये वैदिक टेक्स्ट को पढ़ पढ़ के ही बना था, ठीक है। सोर्सेस, सोर्सेस मतलब ये कि आपने स्पेस की पीडीएफ दो बार भेज दी। चल कोई बात नहीं, सोर्सेस वो कह रहे हैं आप सब समझ सब इतना सब सबको पता चला इन सब के सोर्सेस क्या हैं, आपको इतना सब कुछ पता है इन सब का सोर्सेस क्या है, कैसे पता चला, कहाँ से परमिशन नहीं आपके पास ही है। तो बता रहे हैं इस सब के बारे में पहला पता चला लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। लिटरेरी सोर्सेस मतलब कुछ लिखा हुआ लिटरेचर है, कुछ लिखा हुआ लिटरेचर है हमारे पास जिससे हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, लिखा हुआ लिटरेचर है हमारे पास। अब वो कहने लिखे हुए लिटरेचर में एक और समरी बता रहे, कल बता रहा है क्या कह रहे हैं द वैदिक टेक्स्ट वर्क द वैदिक टेक्स्ट वी बी डिवाइडेड टू ब्रॉड क्रोनोलॉजिकल ग्रुप। वो कह रहे हैं वैदिक टेक्स्ट को आप तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या? टाइम वाइज, ठीक है। एक को आप बोल सकते हो अर्ली वैदिक टेक्स्ट और एक को बात बोल सकते हो लेटर वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। अर्ली वैदिक टेक्स्ट मतलब क्या? जिस पीरियड के अंदर थे जब मोस्ट ऑफ द हिम्स, हिम्स मतलब क्या? भजन। हिम्स मतलब क्या? भजन है ना। देन मोस्ट ऑफ द हिम्स ऑफ द ऋग, हिम्स ऑफ द ऋग वेद वर कंपोज, जिस टाइम पर ऋग वेद के भजन के हुए थे कंपोज हुए थे। और लेटर वेदिक टेक्स्ट टू विच बिलोंग द रिमेनिंग वेदा एंड जिस टाइम पर और अदर वेद बने थे जैसे हो गए आपके ऋग वेद, तो ये हो गए साम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये आपके किस पीरियड में बने? लेटर वैदिक टेक्स्ट में इनको लेटर बेसिक टेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है। और वेद की भी अपनी अपनी कुछ ब्रांचेस है तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे नारायण वैसे दीपक ब्राह्मणस ब्राह्मण जो भी बोलते हैं आरण्यक आर्मी उपनिषद और उपनिषद क्षेत्र टू पीरियड करेस्पॉन्ड टू द टू फेजेस ऑफ आर्यन एक्सप्रेशन। दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें हैं ना, दोनों ये उस फेज से बिलोंग करते हैं जब आर्यन शुरू क्या करते हैं अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है। इंडिया में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ दैट ऑफ द पीपल केम टू बी रिफ्लेक्टेड इन द वैदिक लिटरेचर। वो कह रहे हैं उन लोगों की लाइफ हमारे वैदिक लिटरेचर में रिफ्लेक्ट हुई, यानी वैदिक लिटरेचर को आप पढ़ोगे तो आपको उनके थोड़े से लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलेगा, तो लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलेगा और किसी भी चीज़ के बारे में पता चलेगा। हाँ उनकी सोशल लाइफ कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे इसके बारे में पता चलेगा, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलेगा कैसे पैसा वगैरह कमाते थे, कैसे नहीं, पॉलिटिकल रिलीजियस इन एस्पेक्ट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दस वेदर्स बिकेम स्टेट हाउस ऑफ नॉलेज और इस तरह से वेद के उनके नॉलेज का भंडार बन गया, ठीक है।
लिटरेचर सिस्टम बेसिक लिटरेचर था, वो कहाँ पे सैमुअल देखा गया? संस्कृत। आपको पता है मेरी नेशनल लैंग्वेज क्या है? ना हिंदी है ना इंग्लिश है, संस्कृत है। ठीक है, द टर्म विद हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद, संस्कृत वर्ड विद। वो कह रहा है, सॉरी वो कह रहा है, ये जो वेद जो वर्ड है, वेद जो वर्ड है, वेद वेद वेद, ये वर्ड वेद संस्कृत के एक वर्ड विद से आया है। संस्कृत के एक वर्ड विद से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वैदिक लिटरेचर को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति। इट इज बिलीव दैट श्रुति वाज रिवील्ड टू द सेजेस बाय गॉड, टू द सेजेस बाय गॉड एंड दे पास ऑन दैट नॉलेज ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक वर्ड आया यहाँ पे सेजेस, लिखो यहाँ पे जरा। देखो संत, SENT, सेंट बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में संत बोलते हैं, SENT है ना, संत। साधु संत जो होते हैं वाइज मैन, उनको बोलता है, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है श्रुति वॉज रिवील्ड टू द सेजेस। श्रुति जो है, जो श्रुति जो टेक्स्ट है, जो भी लिटरेचर है, वो सबसे पहले किसके सामने रिवील किया गया? सेजेस के सामने, जो ऋषि मुनि होते थे, संत होते थे, उनके सामने रिलीज किया गया बाय गॉड। भगवान ने खुद उनको बताई ये चीजें। एंड दे पास ऑन दैट नॉलेज ऑलरेडी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और फिर वो जो सीरियस थे, इससे इस नॉलेज को ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास करते गए। जनरेशन टू जनरेशन क्या करते हैं? पास करते गए। ऑन द अदर हैंड जो स्मृति लिटरेचर है, वो कंपोज किया गया था ऋषियों के द्वारा, यानी एक भगवान ने किया था और दूसरा ऋषियों ने ही किया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमें थोड़ा सा। द वैदिक लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फोर कैटेगरीज। अब वो कह रहा है वैदिक लिटरेचर को भी आप ना चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहले तो वेद, पहले तो चार वेदों को अलग कर दो। फिर तो दूसरा ब्राह्मणस है, जो ये जो संहिता में अटैच है। आरण्यकस है, उसको एक उपनिषद है, उसको क्या सारे सारा पढ़ेंगे? आई थिंक थोड़ा बहुत तो ब्रिज तो होना चाहिए इस बारे में। हाँ, वेद के लिए ज़्यादा होना चाहिए। हाँ है बिल्कुल है। ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? फोर। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? फोर। ठीक है, तो पहली कैटेगरी तो पहले वेदाज द वेद है ना। अब वेदों में भी सबसे पहला वेद क्या क्या है? ऋग्वेद। क्या क्या है ऋग्वेद? अरे मैं आपको क्या रखना है, मैं आपको क्या याद है, मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा करता हूँ। ऐसा माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, ऐसा माना जाता है कि ये जितने वेद है ना, वेद ये वेद ना लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाए हैं, ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। ठीक है, ये चार इन्होंने लोग बनाए थे। उन चारों, वो चारों कौन से वेद थे? एक का नाम ऋग्वेद, एक का नाम सामवेद, एक का नाम अथर्ववेद, एक का नाम यजुर्वेद। ठीक है, उन चारों की अलग अलग क्वालिटीज थी।
और वो क्वालिटीज कैसे थी जो हमारे रियल लाइफ के लिए जरूरी है। ऐसा मान्यता है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद अगर मैं ऋग्वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद के अंदर सॉन्ग्स है, ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर क्या है, म्यूजिक संगीत। ये भगवान इसलिए बनाए कि हम इंसानों के बीच में, हम इंसान संगीत सीख सकें, इंसानों के बीच में संगीत की भावना आ सके, संगीत के लिए थोड़ा, म्यूजिक के लिए थोड़ा अफेक्शन हो, हम लोगों की म्यूजिक सीखें। तो हम लोगों को म्यूजिक की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, म्यूजिक से थोड़ा अफेक्शन कराने के लिए ये एक तरह का वेद बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह के वेद बनाए गए हैं सनातन धर्म में माना जाता है। और जिसमें अलग अलग क्वालिटीज हैं, चार वेद हैं, चारों में अलग अलग क्वालिटीज हैं जो रियल लाइफ के लिए हमारे लिए क्या हैं, बहुत जरूरी हैं। तो आपको बस वो क्या याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि किस वेद को किस पर्पज से बनाया गया था। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है कि किस वेद को किस पर्पज से बनाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन दी वर्ल्ड एंड इज देयरफॉर नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है सर, ओल्ड क्यों है, क्योंकि सबसे पहला वेद तो ऋग्वेद ही था, सबसे पहला वेद तो ऋग्वेद ही था, और सबसे पुराने जो ग्रंथ वगैरह हैं सब में सबसे पहला नाम ऋग्वेदों, वो वेदों का ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला वैसे ही सबसे पहला कौन था, ऋग्वेद था, काफी पुराना था। देयरफॉर नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, इसलिए को फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। टेस्टामेंट मतलब का एक तरह का टेस्ट, मैनकाइंड मतलब ह्यूमैनिटी, इसीलिए इसको ह्यूमैनिटी का एक तरह से साफ टेस्ट बोला जाता है, इसे ह्यूमैनिटी टेस्ट की जा सकती है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड टू 10 मंडलास, इसको फर्दर 10 मंडलास में डिवाइड किया गया है। इट इज सेट टू हैव बीन कंपोज, इट इज सेट टू हैव बीन कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ऐसा माना जाता है कि ये जो है आपका जो क्या कहते हैं ऋग्वेद जो है, एक कब बना था, एक कब बना था, ये बना था हमारे आदि वैदिक पीरियड में बन गया था। ठीक है, द हिम्स आर डेडिकेटेड बाय द एथिलीज टू गॉड। ओके, जो हिम्स थे ये एक क्या करते हैं, ये डेडिकेटेड होते थे सीरीज टू बाय सीरीज टू गॉड, ऋषि मुनि अपने भगवान को खुश करने के लिए हिम्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, दे आर पास ऑन ओरली फ्रॉम टीचर्स टू देयर डिसिपल्स, और ये धीरे धीरे टीचर टू डिसिपल क्या होते गए, पास होते गए। ठीक है, ऋग वैदिक हिम्स आर द ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द टाइम। Much of the Indian philosophy is based on the Rig Veda. It also contains the famous Gayatri Mantra. Although religious in nature, the Vedas are a valuable source of information in various subjects. वो कह रहा है, ये जो Rig Veda हिंदू है ना, वो इधर authentic, वो are the authentic sources of knowledge. वो सच्चे sources of knowledge के, वो सच्चे sources हैं knowledge के. यार knowledge किसके regarding? Of the life of people of their time, of the time. उस टाइम पर लोग कैसे रहते थे, ये अगर आपको जानना है तो उस टाइम पर पक्का के सोर्स है। मच ऑफ द इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन दी ऋग्वेद, वो कह रहे हैं इंडियन लोग जो है, हमारे यहाँ फिलोसफी जो है, हमारी एक्सप्रेशन जो सबसे ज्यादा है वो किससे है, ऋग्वेद से है। इट ऑल्सो कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, तो इसके अंदर सबसे फेमस गाय क्या दिखा हुआ, गायत्री मंत्र दिखा हुआ, सुबह सुबह होना चाहिए। ऑल दो रिलीजियस इन नेचर, बेशक की सारी बातें रिलीजियस है, फिर भी द वेद आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर भी जो वेद है वो कहीं एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का। दूसरा आता है सामवेद, दूसरा आता है सामवेद नहीं, इंग्लिश में मैं आपको आपको बताते हैं हमारे रिलीजन वगैरह लिखते हैं, रिलीजन लेटर वगैरह है इंग्लिश में, जब हम उनको लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग के आगे ए एक्स्ट्रा लगा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे प्रोनाउंस करो। ठीक है, इसको सामवेद या सामवेद ही बोलना। ठीक है,
टर्म साम मीन्स स्वीट सॉन्ग, ठीक है सर, इसके अंदर भी लिखे हुए थे। हाँ इसके अंदर भी स्वीट सॉन्ग की मेलोडीज थी। इन दिस वे द सम ऑफ द हिंट्स आर बोरोड फ्रॉम द ऋग्वेद। इसके अंदर हमने कुछ हिंट्स, कुछ वजन तो हमने लिए ऋग्वेद से, है ना। और द हिंट्स इन सम सम वे वाज मेंट टू बी सम एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस बाय द प्रीस्ट। वो कह रहा है कि इसके अंदर सामवेद के अंदर इसके लिए किस टाइप के भजन है, दोनों ही अगर भजन लिखते हैं तो किस टाइप में किस टाइप के भजन, तो इसके अंदर जो भजन है वो सेक्रीफाइस से रिलेटेड है ना, जो किसके रिलेटेड से रिलेटेड है, सेक्रीफाइस। जब प्राइस्ट सेक्रीफाइस करते हैं, जब प्राइस्ट सेक्रीफाइस करते हैं उस टाइम पे तो भजन होने चाहिए। उस तरह के भजन कहाँ पर लिखे हुए हैं, सामवेद में लिखे हुए, ठीक है। आपको मीनिंग पता होना चाहिए, साम का मीनिंग क्या है। यजुर्वेद डील्स विद थिंग्स रिसाइटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यजना। द हिंट्स इन दिस वे थ्रो लाइट ऑन दी सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पायलट। वो कह रहा है इसके अंदर भी कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं, सर सौ करना हिंट्स लिखे हैं, लिखे तो भजन ही है बेटा, लेकिन बेसिकली ये भजन के अंदर बहुत सारी लर्निंग छिपी हुई है। भजनों के अंदर क्या है, बहुत सारी लर्निंग छिपी हुई है, इनके अंदर लाइफ लेसन्स हैं, ठीक है। तो ये कब गाए जाते हैं, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यजना, जब यजना होता है तब ये वाले गाए जाते हैं, ठीक है। द हिम्स इन दिस वेद थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यन। ये वेद बताता है कि कैसे, ये वेद बताता है कि उनके आर्यंस की रिलीजियस और सोशल लाइफ कैसे थी, ठीक है। अथर्ववेद अथर्ववेद द हिट इन दिस टेंट इन दिस वेद डील विद मैजिक एंड चार्म। ओहो वो कह रहा है इस वेद के अंदर तो मैजिक और अच्छा, इस अंदर इस के अंदर भी भजन ही लिखे हुए हैं, लेकिन वो डील किसे करते हैं, जादू से, किससे, जादू से और आकर्षण से, मैजिक से, मैजिक एंड चार्म, मैजिक एंड चार्म से क्या करते हैं, डील करते हैं। मोस्ट ऑफ द हिम्स आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। सर इसमें भी जो सबसे पहले जो वेद लिया गया वो कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया, यानी ऋग्वेद उनका बेस है ही है, ऋग्वेद उनका क्या है, बेस है ही है। बेसाइड्स द पावर ऑफ स्पिरिट, इसके अंदर पावर ऑफ स्पिरिट्स के बारे में बात की गई है, रहीम से डील विद ज्ञान नॉलेज की बात की गई, कर्मा की बात की गई, कर्म, ठीक है, उपासना, इन चीज़ों की बातें इसके अंदर बात की गई है। रहीम से ऑल्सो डील विद मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, यहाँ पर डिजीज के बारे में बात की गई है। ठीक है ये हो गया आपके वेद, हो गया आपके चारों वेद, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैं हाईलाइट किया है, ठीक है। और जो मैं हाईलाइट करता हूँ, अगर आप हाईलाइट नहीं करते तो थोड़ी दिक्कत है, आपको भी ऐसे अंडरलाइन वगैरह करते रहना चाहिए। द ब्रह्मानस रिटन आफ्टर द वेद, ये कब लिखे गए, ये वेदों के बाद लिखे गए, वेदों के बाद लिखे गए एज देयर सिंपल कमेंट्री, एज देयर सिंपल कमेंट्री मतलब क्या, यानी वेद में जो लिखा हुआ था वो काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में होता है, तो उनका एक सिंपल वर्जन इसके अंदर लिखा गया। द ब्रह्मांड्स आर इन प्रोज, ये एक प्रोज की तरह है, यानी ये कविता की तरह है, कविता की तरह, ठीक है सर। कविता की तरह है तो इसको इजी क्यों लगे, उस टाइम पर लोगों को कविता बहुत इजीली समझ में आती थी, इसीलिए। द एक्सप्लेन द सोशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ द रिचुअल्स एज वेल एज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइसेस। ये क्या आपको बताते हैं, सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, उनके उनके रिचुअल्स के सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ ये बताते हैं कि सेक्रीफाइसेस की वैल्यू क्या होती है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये भी ये बताते हैं। द ब्रह्मानस आर द ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, ये भी काफ़ी वैल्यूएबल है, मतलब हमारे लिए। इस वेद हैज सेवरल ब्रह्मानस, हर वेद के पास बहुत सारे ब्रह्मानस हैं, यानी हर वेद के बहुत सारे क्या हैं, हर सिंपल वर्जन निकले हुए हैं, ठीक है। सीरियस परफॉर्मिंग इजना, इजना मतलब क्या, यज्ञ,
आपको मैंने शायद ऊपर नहीं बताया, तो यज्ञ है ना, अरण्यक दे आर नोन एज ए फॉरेस्ट बुक्स। इनको क्या कहा जाता है, जंगल की बुक्स कहा जाता है, फॉरेस्ट बुक, जंगली नहीं जंगल की, ठीक है। रिटन फॉर द गाइडेंस ऑफ द हर्मिट्स, हर्मिट्स मतलब साधु, हर्मिट्स मतलब साधु, एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर स्टूडेंट्स, यानी ये बुक उनके लिए लिखी गई है, ऐसे साधुओं के और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ठीक है। इनको फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है, ठीक है। दे फॉर्म दे कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मानस, ब्रह्मानस ये ब्रह्मानस के कंक्लूडिंग पार्ट बताते हैं, यानी कि समझो सीरीज जरा कैसे होगी, ये ऑर्डर कैसा है। ऋग्वेद में बहुत सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ब्रह्मानस में क्या हुआ, वही चीज़ एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, पोइम के फॉर्म में। फिर इसके अंदर आरण्यक के अंदर क्या है कि वही चीज़ लिखी है, लेकिन शॉर्ट में उसका कंक्लूडिंग, उसकी लर्निंग क्या निकली, उसका सारांश क्या है, इसका कंक्लूडिंग क्या है, एसेंस क्या है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। देयर मेन थीम्स आर मिस्टिसिज्म एंड फिलॉसफी, मिस्टिसिज्म और फिलॉसफी के बारे में ज़्यादा बातें इसके अंदर होती हैं। प्लस है उपनिषद, लास्ट है उपनिषद, और आज हम उपनिषद तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ देयर फिलोसफिकल कमेंट्रीज ऑन द वेदा, सर ये भी क्या है, ये भी कमेंट ही है, ये भी इनके ऊपर कहीं कमेंट ही है। द डॉक्टर सजेस्ट करना, मोक्ष माया आर एक्सप्लेन इन डिटेल, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत कुछ डॉक्टर मतलब प्रिंसिपल, डॉक्टर मतलब क्या प्रिंसिपल, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल सेशन जो बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया गया है, कर्मा के बारे में बहुत डिटेल में समझाया गया है, मोक्ष माया, ठीक है। द उपनिषद फ्रॉम द बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये हमारे इंडियन फिलोसफी का एक बेस है। कंप्यूटर और डिफरेंट स्टेजेस, ये किसने बनाया है, बहुत सारे साधुओं ने मिलकर बनाया है, बहुत सारे साधु संतों ने मिलकर बनाया है। दे आर सेट टू फॉर्म द फाउंडेशन ऑन विच द लेटर एडिशन ऑफ वेद, एडिशन टू वेदिक उपनिषद आर छंदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, वो कह रहे हैं कि दे आर सेट टू फॉर्म द फाउंडेशन, और है ना, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि वो जो सिजिस थे, जो वो साधु संत थे, उन्होंने एक फाउंडेशन रेडी किया, एक बेस तैयार किया, एक बेस तैयार किया, ठीक है। जिसके बाद वेदों के, जिसके बाद ना मतलब जिनके बाद उपनिषद के और ज़्यादा वर्जन आते थे, ऑन दिस लेटर एडिशन टू वेदिक लिटरेचर रेस्ट, यानी वो कह रहे हैं इन्होंने एक ऐसा बेस तैयार किया जिसके ऊपर बाकी के बाद के जो लिटरेचर है ना, वेदिक लिटरेचर वो बेस करते हैं, ठीक है। वो कह रहे थे मोस्ट फेमस जो उपनिषद होते हैं ना, मोस्ट फेमस उपनिषद का सबसे फेमस उपनिषद कौन सा, छंदोग्य इशु, वो छंदोग्य उपनिषद, केना उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और तैतरीय उपनिषद, कुछ नाम आपको दिए हैं, आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इन सब के बारे में नोटिंग हम कल करेंगे, एक बार जरा क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है, कुछ पूछता हूँ हमारे। नेम टू कैटेगरी अर्ली वैदिक पीरियड लिटरेचर बाय वो तो अर्ली वैदिक लिटरेचर नोन एज श्रुति, उसमें कर सकते तभी हमने, उसमें कर सकते तभी हमने पढ़ी है, ट्राई करना। नेम फॉर वेद जे भी इजीली हो जाएगा। स्टेट व्हाट द हिंट्स इन ईच इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्कुलस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये मुझे अब से सेंड करना है, ये वाला आप खुद से सेंड करना, मेरे नोटिंग कराने से पहले आप ये करना, ठीक है। आप आज अगर वीडियो देखो तो आज मुझे सेंड करना। व्हाट आर द उपनिषद, तो उपनिषद ही मैंने आपको लिखवा रखा है, मैंने लिखवा नहीं रखा है, अभी अभी पढ़ाया है। नहीं मैंने टू उपनिषद, ये तीन तो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, तो आपसे पूछ ही लिए। एक ही बार इसमें से लिखो, वन का ए है ना, सेकंड में फर्स्ट का ए, बस एक क्वेश्चन ही हल्का, ठीक है, याद करो।
या तो आपको साथ साथ करते रहना है, और अभ्यास का मतलब ये नहीं कि जो हमने सिविक्स का चैप्टर पढ़ाया है आप छोड़ दो उसको हर 2-3 दिन बाद क्या करते रहकर रिवाइज करते हैं। पहले 2 दिन बाद करो, फिर 1 वीक बाद करो, फिर 15 दिन बाद करो, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो, तो मल्टीपल टाइम्स ऐसे रिवाइज करते जाकर प्रॉपर डिफरेंस के बाद। अरे डिफरेंस में डिसाइड करो कि आपको 2 दिन बाद रिवाइज करना है, 3 दिन बाद डिसाइड करना है, आपको खुद का हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं कि नहीं कोई जिसने किसी और ने बताया वही याद करो। आप एक रखा करो कि जिस दिन मैंने पढ़ाया उस दिन एक घर पे आकर उसको दोबारा से रीड कर लो, फिर उसको 2 दिन बाद पढ़ लो, लिख लो एक चीज़ को, एक तो इमीजिएटली पढ़ लो उसी दिन, एक 2 दिन बाद पढ़ लो, एक 1 वीक बाद पढ़ लो, एक 15 दिन बाद पढ़ लो, एक 1 महीने बाद पढ़ लो। हो गया आपके 4-5 रिवीजन, तो यही हो गया आपके पेपरों से पहले, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, पढ़ने का मतलब रीड करो, पढ़ने का मतलब उसको रीड करो, उसको समझो लॉजिकली, ठीक है, और उसको लर्न करो। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो रखते हैं ऐसे ना, ओवर करते हैं क्लासिंग पर।